बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसे अब राज्य में लागू करने की तैयारी है। इस नई नीति से बीपीएससी से नियुक्त पुराने और साक्षरता परीक्षा पास शिक्षकों को उनके गृह जिले में पोस्टिंग का अवसर मिलेगा। हालांकि बिहार के विभिन्न शिक्षक संघों ने इस नीति का कड़ा विरोध किया है। संघों की ओर से कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई है। इसको लेकर लोकल एटिंग ने शिक्षक संघ बिहार, बिहार विद्यालय अध्यापक संघ और टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्षों से बात की। सभी ने इसे अनुचित बताते हुए सुधारने की मांग की है। संघों का कहना है कि अगर सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंच सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से जो नई ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी जारी की गई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, अनियमितताएं हैं और विषमताएं हैं। हमारे संघ को, बिहार विद्यालय अध्यापक संघ को, कई सारे बिंदुओं पर आपत्ति हैं। मैं उन आपत्तियों को 5 बिंदुओं के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्ति है शिक्षकों को, यानी कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनको अनुमंडल के अंदर पोस्टिंग नहीं मिलने की बाध्यता। इसमें ये बात बताना जरूरी है कि बिहार में कई सारे ऐसे जिले हैं, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, जहां पूरे जिले में केवल एक ही अनुमंडल है। अब यह समझ में नहीं आता कि जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है वहां के शिक्षकों की पोस्टिंग कहाँ होगी, क्योंकि नियम तो बना दिया है कि गृह अनुमंडल में नहीं होगी। दूसरी बात, जो शिक्षिकाओं की पोस्टिंग की बात है उसमें बाध्यता लगाई गई है कि नगर निकाय, यानी कि गृह या वर्तमान पदस्थापन के नगर निकाय या पंचायत में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ऐसे में तो जो महिलाएं शहरी क्षेत्र में रहती हैं, जिनका निवास स्थान शहरी क्षेत्र है, खास करके पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया जैसे बड़े शहर जो हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनको अपने शहर में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वहाँ से कहीं दूर किसी गाँव में उनको पोस्टिंग मिलेगी। तीसरी बात, जो दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनके लिए भी यह बाध्यता लगा दी गई है कि उनके गृह पंचायत या उनके गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये तो पूरी तरीके से गलत है। जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं या जो दिव्यांग हैं उनकी पोस्टिंग तो अपने सबसे नजदीकी विद्यालय में होनी चाहिए थी। चौथी बात, आज तक कभी भी इतिहास में शिक्षकों के जबरन ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं रही है। चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, अगर वो अपना ट्रांसफर स्वेच्छा चाहते हैं तभी उनका ट्रांसफर होता था। लेकिन इस नियमावली में जबरन 5 साल पर ट्रांसफर का नियम बना दिया गया है। क्या सरकार इस 5 साल के ट्रांसफर के नियम के तहत हर पंचवर्षीय योजना के तहत कोई अवैध कार्रवाई या अवैध कमाई करना चाहती है शिक्षकों से? जो अन्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में हम लोग सुनते हैं कि लाखों लाखों का खेल चलता है, क्या शिक्षकों के साथ भी वही व्यवस्था लाना चाहते हैं? और पांचवा और सबसे अंतिम आपत्ति जो है, ये जो गृह प्रखंड पंचायत अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है ये तो सिर्फ बिहार के निवासी शिक्षकों पर लागू होता है। जो अन्य राज्य से आए हैं शिक्षक, खास करके बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में, वो तो अपने शहरी क्षेत्रों में स्कूल उनको आवंटित हो जाएगा। जबकि अगर उसी चरण में कोई बिहार की महिला आई है तो उसको शहरी क्षेत्र का स्कूल नहीं मिलेगा, अपने गृह नगर निकाय का स्कूल नहीं मिलेगा। ये तो नीति भेदभावपूर्ण हो गई कि आपने बिहार के बाहर की महिलाओं, बाहर के पुरुषों पर तो कोई नियम ही नहीं लगाया, क्लॉज ही नहीं लगाया, और बिहार की महिलाओं का क्लॉज लगा दिया कि उनको अपने नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग के द्वारा लाए गए नए स्थानांतरण नियमावली में शिक्षकों की सुविधाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। खास करके पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल के बजाय अन्य अनुमंडल में पदस्थापन करने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि पुरुष शिक्षकों को भी गृह प्रखंड या गृह अनुमंडल में पोस्टिंग की व्यवस्था की। साथ ही साथ विभाग ने जो नियमावली बनाया है, इस नियमावली में बिहार के उन जिलों का भी ख्याल नहीं किया गया है जिन जिलों में सिर्फ एक ही अनुमंडल है। उन शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी? क्या उन शिक्षकों की पोस्टिंग जिला से बाहर होगी? और अगर जिला से बाहर होगी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो उनको मिला हुआ एलॉटेड जिला था, विभाग उसको नहीं मानती है। ढेर सारी विसंगतियां हैं। इस नियमावली पर विभाग और सरकार पुनः एक बार विचार करे, शिक्षकों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाई जाए। शिक्षक अगर मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था
में विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षक एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल जाएंगे, मिनिमम दूरी कम से कम 20 से 25 किलोमीटर होगी, तो जाने आने के दरमियान भी शिक्षकों के दुर्घटना के रेशियो में भी वृद्धि होगी। विभाग मानवीय पहलू अपना करके शिक्षकों के विषय में, शिक्षकों के भविष्य के विषय में, शिक्षकों की सुविधा के विषय में सोचे। हम विभाग से यह अनुरोध करते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं, इस विसंगति पूर्ण नियमावली जो सभी शिक्षकों के लिए कष्टकारी है, यह बदली जानी चाहिए। शिक्षकों की बहु प्रशिक्षित स्थानांतर नियमावली बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। जो नियमावली सरकार की जो एजेंडा है, जो छुपा हुआ एजेंडा है, जो उनकी मनोवृत्ति है, उसको प्रदर्शित करती है। हमेशा से हम कहते रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली सरकार की है, जो स्थानांतर नियमावली है, उसका उद्देश्य कहीं से शिक्षकों को कोई लाभ देना या उनका कल्याण करना नहीं है। उसका उद्देश्य है सिर्फ सभी शिक्षकों को राज्य सरकार अपने दायरे में ले ले और उनका जो विद्यालय है, जो प्रखंड है, उसको छोड़ा दे, ताकि उन पर लगातार जो ये कार्रवाई करती रही है, लगातार जो दमनात्मक कार्रवाई करती रही है, उसका प्रतिरोध शिक्षक नहीं कर सके। और जैसे ही वो प्रतिरोध करे, अपने ही मांग के लिए माने कि तुरंत उनको निलंबित कर दिया जाए, तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया जाए, एकमात्र उद्देश्य सरकार का है, जो इस नियमावली में स्पष्ट हो गया है। इसलिए यह नियमावली पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस नियमावली में सारे शिक्षक नेताओं और शिक्षकों, शिक्षा प्रेमियों से सुझाव ले और उसको सुधार करे। जब तक सुधार नहीं होता है, तब तक नियमावली को स्थगित किया जाए, इसको रद्द किया।